बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं YouTube चैनल और आज मैं आपको लेके आया हूँ बहरिया टाउन फेज 5, जहाँ पे हम विजिट करेंगे 10 मल्ला ब्रांड न्यू हाउस का, जो कि अवेलेबल है मार्केट में सेल के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे तमाम देखने वाले नाजरीन को मेरी तरफ से जो है वो गुज़श्ता ईद मुबारक है। वीडियो मैं ईद के सेकेंड डे बना रहा हूँ और ईद के बाद जो है वो ये मेरी जो है सेकेंड वीडियो होगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इस घर की ये ट्रिपल स्टोरी हाउस है, बेसमेंट भी इसमें डिज़ाइन किया गया है, ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर थ्री यूनिट ये हाउस है। सेपरेट सेपरेट जो है वो सबकी अलहदा अलहदा एंट्रीज हैं। 3 मीटर लगे हुए हैं इसमें गैस के, और जो है वो बिजली के मीटर भी इसमें इंस्टॉल्ड है। और 3570 जो है वो इस प्लॉट की डायमेंशन है। 3570 डायमेंशन के साथ ये घर जो है वो अवेलेबल है सेल के लिए। कैश पे अवेलेबल है, इंस्टॉलमेंट पे अवेलेबल नहीं है। घर के सामने वाइट स्ट्रीट आप देख सकते हैं, बहरिया टाउन फेज 5 जो है वो इस घर की लोकेशन है। फ्रंट एलिवेशन आप देख सकते हैं, रॉक वॉल का इस्तेमाल किया गया है इस घर पे। और उसके बाद जो ग्रिल्स हैं वो स्टेनलेस स्टील प्लस उसमें ग्लास का इस्तेमाल किया गया, जो कि घर के फ्रंट एलिवेशन में खूबसूरती करती हैं। मज़ीद चलता हूँ मैं घर की तरफ। तो मेन डोर आप इसका देख सकते हैं, और मेन डोर के साथ जो है वो रैंप टफ टाइल का इस्तेमाल किया गया। मज़ीद देखेंगे तो फ्रंट एलिवेशन पर कहीं कहीं जो है वो टाइल का भी इस्तेमाल किया गया। और क्लोज करके मैं चेक करा दूँ कि आप देख सकते हैं गैस के 3 मीटर और बिजली का भी जो है वो एक 3 फेज मीटर इंस्टॉल्ड है। उसको जो है वो 3 यूनिट्स में जो है वो डिवाइड किया गया है सब मीटर से लगा के। फ्रंट एलिवेशन एक दफा आप दोबारा चेक कर लें। लेके चलूंगा अब मैं आपको घर के पोर्च की तरफ। तो जी पोर्च में आप देख सकते हैं फ्लोरिंग जो है वो मार्बल की हुई हुई है और सीलिंग डिजाइन। जी बड़ा पोर्च है। पार्किंग की अगर हम बात करें तो इजीली 2 से 3 बड़ी गाड़ियां एट अ टाइम पार्क हो सकती हैं। ये आप वाटर पंप देख रहे हैं, 3 अलहदा अलहदा जो है वो वाटर पंप जो है वो इंस्टॉल किए गए हैं, और अलहदा अलहदा 3 ही टैंकियां हैं टॉप मंटी पे। अंडरग्राउंड वाटर टैंक है। और उसके बाद दोबारा से पोर्च का एरिया। जी पार्किंग स्पेस की मैं आपको बता दूँ तो 2 बड़ी गाड़ियाँ जो है वो यहाँ पर पार्क हो सकती हैं, और इस ये भी बहुत बड़ा एरिया है गैलरी का, तो एक बड़ी गाड़ी जो है वो इजीली यहाँ पे पार्क हो सकती है। उसके बाद विंडो साइड आप देख सकते हैं, गैलरी का आपको विजिट करवा देता हूँ। 3570 साइज में जो है वो 2 साइड गैलरी होती है। तो ये लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हैं गैलरी, फ्लोरिंग जो है वो मार्बल की है। ये आप देख सकते हैं ओपन एरिया वेंटिलेशन के लिए बेसमेंट का। वॉल्स पे आप देख सकते हैं लेफ्ट राइट जो है वो हर साइड पे रॉक वॉल का इस्तेमाल किया गया है। गैलरी की बैक साइड है, फ्लोरिंग यहाँ पे मार्बल की हुई है, 2 गीजर इसमें इंस्टॉल्ड है। और तीसरा जो है वो थर्ड आप देख सकते हैं फर्स्ट फ्लोर पे इंस्टॉल किया गया है। और स्टेयर्स जो है वो ऊपर अलहदा से, अगर आप सर्वेंट को एक्सेस देना चाह रहे हैं तो अलहदा से जो है वो स्टेयर्स ये इसकी मेटल की। वापस लेके चलूंगा अब आपको घर की तरफ। जी वो पोर्च में वापस आ चुका हूँ। और मेन एंट्रेंस की बात कर लें तो ये आप डोर देख रहे हैं फर्स्ट फ्लोर और बेसमेंट के लिए, ये अलहदा से डोर है, और ये ग्राउंड फ्लोर के लिए। स्टेप पे आप देख सकते हैं ग्रेनाइट का इस्तेमाल है। मजीद अंदर चलेंगे तो आप देख रहे हैं फ्लोरिंग मार्बल की है। लेफ्ट राइट लेफ्ट साइड पे जो है वो डोर है जो कि कनेक्टेड है फर्स्ट फ्लोर प्लस बेसमेंट के साथ। ये आप देख सकते हैं ये बेसमेंट की एंट्रेंस, और ये फर्स्ट फ्लोर के लिए अलहदा अलहदा लॉबी डिजाइन की गई है। अलहदा से जो है वो आप इसको एक्सेस दे सकते हैं। लेके चलूंगा अब आपको ग्राउंड फ्लोर की तरफ। तो ये आप देख सकते हैं सामने जो है वो एंटर होते ही टीवी लाउंज का एरिया है। उससे पहले हम ड्राइंग रूम का विजिट करेंगे, पाउडर रूम। जी ये ड्राइंग रूम का एरिया, सीलिंग डिजाइन आप ऊपर देख सकते हैं, वेंटिलेशन विंडो, और लेफ्ट राइट पे जो है वो पार्टीशन हुई है ग्लास, और वुड की फ्लोरिंग जो है वो आप देख सकते हैं मार्बल की है ड्राइंग रूम में भी। जी ये टीवी लाउंज का एरिया। यहां से मैं आपको फ्लोर प्लान इसका समझाने की कोशिश करूंगा। ऊपर आप देख सकते हैं सीलिंग डिजाइन जो है वो फानूस के साथ। सामने आपको 2 बेडरूम्स इसके दिख रहे हैं अटैच वाशरूम के साथ, और इस साइड पे जो मजीद लेफ्ट होंगे तो मीडिया वॉल है,
और मीडिया वॉल के साथ ही इसका किचन है। दूसरे एंगल से मैं चेक करवा देता हूँ जी। व्यूअर्स ये आप देख सकते हैं इसके मीडिया वॉल, मीडिया वॉल के बाद हम चलते हैं पहले किचन में। किचन का पैटर्न आप देख सकते हैं, फ्लोरिंग जो है वो नीचे डिफरेंट टाइल की है और कबर्ड्स ऊपर नीचे जो है वो मौजूद हैं, और कबर्ड्स का जो काम है वो हैश वुड का इस्तेमाल किया गया। वॉश बेसिन के साथ जो वेंटिलेशन विंडो है और ये डोर एग्जिट हो रहा है बैक साइड की गैलरी की तरफ। ऊपर जो है वो एग्जॉस्ट फैन भी अवेलेबल है, बर्नर इसमें मौजूद है आप देख सकते हैं। जी व्यूअर्स किचन के बाद अब आप चलेंगे हम बेडरूम्स की तरफ। 3570 डायमेंशन में जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे अमूमन जो है वो टू बेडरूम्स ही होते हैं। ये इसका बेडरूम फर्स्ट, नीचे जो है वो फ्लोरिंग मार्बल की है। कबर्ड्स और साथ में इसका अटैच वॉशरूम। लास्ट में जो है वो इसका सेकंड बेडरूम। सीलिंग डिजाइन, फ्लोरिंग जो है वो मार्बल की है। सामने आप देख सकते हैं बड़े साइज के विंडो है वेंटिलेशन के साथ, और ये इसका अटैच वॉशरूम। जी व्यूअर्स ये हो गया ग्राउंड फ्लोर का विजिट कंप्लीट टू बेडरूम की अकोमोडेशन के साथ। अब मैं आपको लेके चलूंगा इसके फर्स्ट फ्लोर पे, और बेसमेंट को हम विजिट सबसे लास्ट में करेंगे जी। ये आप देख सकते हैं फर्स्ट फ्लोर के लिए मार्बल का इस्तेमाल है स्टेयर्स पे, और स्टेनलेस स्टील की इसकी ग्रिल्स। ऊपर आते ही लॉबी है, राइट साइड पे रास्ता एग्जिट हो जाएगा टेरेस की तरफ, और लेफ्ट साइड पे घर की एंट्रेंस है। पहले हम टेरेस का विजिट कर लेते हैं। टेरेस पे आप देख सकते हैं फ्लोरिंग जो है वो मार्बल की है, और ये स्टेनलेस स्टील की ग्रिल्स। ऊपर से स्ट्रीट ओवरव्यू, जी बस वापस चलते हैं अंदर घर की तरफ। तो मेन एंट्रेंस, फ्लोर प्लान ऑलमोस्ट जो है वो सेम है। ड्राइंग रूम की जगह जो है वो फर्स्ट फ्लोर को बेडरूम डिजाइन किया गया। ये बेडरूम फर्स्ट का जो है वो अटैच वॉशरूम प्लस इसकी कबर्ड्स। जी व्यूअर्स ये हो गया बेड फर्स्ट का अटैच वॉशरूम। टीवी लाउंज, गैस की मीडिया वॉल, अटैच वॉश सॉरी मीडिया वॉल के बाद जो है वो इसका क्लोज किचन। बेडरूम सेकंड, ये इस बेडरूम की जो है वो कबर्ड्स, और साथ में अटैच वॉशरूम।
लास्ट में जो है वो थर्ड बेडरूम है। वेंटिलेशन विंडो, उसके साथ जो है वो सिक्योरिटी ग्रिल्स और इसका अटैच वॉशरूम। जी फिर थ्री बेडरूम के अकोमोडेशन के साथ फर्स्ट फ्लोर का विजिट जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होता है। टोटल अभी तक जो है वो ग्राउंड और प्लस फर्स्ट टोटल बेडरूम मिला के जो है वो अकोमोडेशन बन रही है 5 बेडरूम्स की। अभी बेसमेंट रहता है, उसको हम विजिट बाद में करते हैं। मैं पहले आपको लेके चलता हूँ ऊपर माउंटी की तरफ, उससे फिर हम जो है वो बेसमेंट की तरफ मूव होते हैं। जी वर्स ऊपर छत का एरिया, फ्लोरिंग जो है वो छत पे मार्बल की हुई है, आप देख सकते हैं कंप्लीट। एक जो है वो सर्वेंट क्वार्टर है और टैंकी। इस साइड पे अगर आप देखें तो लॉन्ड्री के लिए एरिया डिजाइन किया गया है। ये बैक साइड, सामने जो है वो सराउंडिंग का एरिया, टॉप व्यू मैं आपको चेक करवा देता हूँ। जी और छत के बाद अब मैं आपको लेके चलूंगा बेसमेंट की तरफ और उसके बाद फर्दर हम इसके रेंटल वैल्यू और प्राइस की डिस्कशन कर लेंगे। ग्राउंड फ्लोर पे आ चुके हैं और ये आप देख सकते हैं बेसमेंट का एंट्रेंस और ये फर्स्ट फ्लोर के लिए। बेसमेंट में चलेंगे, आपको लेके स्टेयर्स पे आप देख सकते हैं मार्बल का इस्तेमाल है और ग्रिल्स वही स्टील स्टील्स की हैं। नीचे आते ही जो है वो ये मेन डोर है घर का। स्टेयर्स के नीचे जो है ओपन स्पेस है, फ्लोरिंग मार्बल की है कंप्लीट। और मजीद चलेंगे अंदर तो ये एरिया आप देख सकते हैं, सीलिंग डिजाइन खूबसूरत। ये जो है वो टीवी लाउंज का एरिया हो गया। इस साइड पे अगर आप देखें तो ये ड्राइंग रूम खूबसूरत सीलिंग डिजाइन के साथ है और मैप जो मैप है और डिजाइन वो सेम ग्राउंड और फर्स्ट की तरह दिया गया। सामने जो है टीवी लाउंज के सामने उसका ओपन किचन है, सॉरी ओपन किचन नहीं है, क्लोज किचन है। फ्लोरिंग जो है वो मार्बल की है और कबर्स आप देख सकते हैं ऊपर नीचे अवेलेबल है। और एग्जॉस्ट फैन जहाँ पे दिया गया ये बाहर को एग्जिट कर रहा है गैलरी साइड पे। उसके बाद ये 2 बेडरूम्स, बेडरूम्स के साथ जो है वो अटैच वॉशरूम्स हैं। कुछ बेसमेंट में जो है वो वॉशरूम जो सीवरेज का सिस्टम है वो अवेलेबल नहीं होता, बट इस घर में जो है वो सीवेज सिस्टम अवेलेबल है। बेसमेंट में जो है वो एक सीवेज की टैंकी बनी हुई है जो कि सेंस करती है, उसमें ऑटोमेटिक मशीन है और सेंस करने के बाद वो जुई टैंक जो है वो फिल होता है तो उसको वो ऑटोमेटिक मेन सीवेज लाइन में थ्रो करती है वो मोटर। ये इसका जो है वो 2nd बेडरूम, 2 बेडरूम की अकोमोडेशन है इसके बेसमेंट में। ये विंडो आप देख सकते हैं वेंटिलेशन पर्पज के लिए, ऊपर से जो गैलरी में आपने देखी ऊपर से जो है ये ओपन है। जी ये आप देख सकते हैं, जी व्यूअर्स ये इस बेडरूम की कवर्स आ गई और अटैच वॉशरूम। जी व्यूअर्स ये हो गया तीनों फ्लोर्स का विजिट कंप्लीट।
प्राइस की इसकी मैं बात करूं तो इसकी जो प्राइस है वो 3,70,00,000 है। प्राइस जो है वो रीजनेबल है, 370,00,000 इसकी आस्किंग प्राइस है। उसके बाद अगर हम रेंटल वैल्यू की बात करें तो 40 और 40, फर्स्ट ग्राउंड का भी 40 और फर्स्ट का भी 40, 80, और अगर आप जो है वो 30 बेसमेंट का लगाएं तो ये अराउंड 1,10,000 जो है वो 1,10,000 इसकी इस घर की रेंटल वैल्यू है। प्राइस मैंने आपको बता दी 3,70,00,000 है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।